नागपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री व भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से होगा। दोनों ही आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। इससे पहले आशीष के पिता रंजीत देशमुख के साथ फडणवीस का मुकाबला हुआ था। फडणवीस को चुनौती देने के लिए देशमुख परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फडणवीस पहली बार पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से 1999 में चुनाव जीते थे। 2004 में दूसरी बार उन्हें भाजपा के उम्मीदवार बनाया गया था। उनका मुकाबला कांग्रेस के रंजीत देशमुख से हुआ। रंजीत देशमुख तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। दिल्ली वैष्णो देवी के भक्तों को नवरात्रि के मौके पर दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को गुरुवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 देश की एकता में ही नहीं जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक था। अब वंदे भारत ट्रेन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, वहां के लिए बड़ा उपहार है। अमरावती बडनेरा निर्दलीय उम्मीदवार रवि राणा शुक्रवार को बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी द्वारा रवि राणा को समर्थन घोषित किए जाने की जानकारी है। सांसद नवनीत राणा की उपस्थिति में जनता का आशीष लेने के बाद नामांकन दायर करेंगे, जहां महा रैली के साथ रवि राणा अपना नामांकन भरेंगे। मुंबई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई भाई बहन कई चाचा भतीजा आमने सामने नजर आएंगे। रोचक होगा पर्ली का मुकाबला। पर्ली से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे का मुकाबला महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री भाजपा प्रत्याशी पंकजा मुंडे पालवी से होगा, जहां दोनों ही राजनीतिक विरासत का दम भरते हैं। भीड़ में होगा चाचा भतीजा का मुकाबला। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रबल नेता माने जाने वाले जयंत क्षीरसागर ने शिवसेना में ज्वाइन कर लिया है, जहाँ चाचा भतीजे का होगा तगड़ा मुकाबला। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS लिखिए और ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम में भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।